दो अजनबी एक होकर अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं। आपने मेरी लिखी हुई कहानियां पढ़ी तो होंगी। एक दिन मैंने अम्मी से पूछा, मेरी होने वाली दुल्हन कैसी है? तो हंस के बोले, वो जो तेरी कहानी है ना पूर्वन की रानी, बस यूं समझ ले तेरे लिए पूर्वन की रानी ला रही। पूर्वन की रानी, बचपन में मैंने उसे देखा था, एक धुंधली सी तस्वीर, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, मोती का हार पहने, खुशबू बखेरती धुन में गायब हो जाती। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है और आज इस घूंघट में मैं उसी ख्वाब की ताबीज देखना चाहता। ऐसा ही हार वो पहना कर रही थी। घूंघट उठाइए, इसे मैं आपके गले में डाल दूं। माफ कीजिएगा, ओह मैं भी कितना नालायक हूं, आपका ख्याल तक नहीं कि कैसी पसीने में डूबी बैठी। लीजिए मैं अपनी बेताबियों को दिल में समेट कर अपनी ही सीट पे जा बैठता हूं। और आप जरा खुलकर बैठे, अब घूंघट उठाइए, उठाइए ना, इतनी गर्मी में दम नहीं घुटता आपका। अच्छा यूं ही सही, घर पहुंच के तो आपको यह घूंघट उठाना ही पड़ेगा, मगर देखिए इस घूंघट में से उषा रानी ही निकले। पूर्वन की रानी, चैन आपने खींची? अब्बा जान, क्या हुआ शायद बेटा? नाहिद, नाहिद गायब हो गई अब्बा जान। मेरे वाले साहब दिल के मरीज हैं, किसी डॉक्टर का इंतजाम हो सकता है? यहाँ तो कुछ नहीं हो सकेगा, अगले स्टॉप पे पहुंचकर रावलपिंडी एम्बुलेंस के लिए तार भिजवा दूंगा।
एक ख्वाब ही था कि बच्चों की हंसी और बहू के कहे कभी इस घर में भी गूंजेंगे। वो ख्वाब अभी पूरा हो सकता है बीबी, नाहिद को बुलवा भेजिए, आखिर वो आपकी बहू है। उसका नाम ना लो, उस मनहूस की बदौलत घर का एक चिराग तो बुझ गया और दूसरा जिंदगी के मजार पर जलने को रह गया है। गम के फसाने देखा तुमने अशोभी, कोई न जाने। देख रही हूँ बीबी, और ये सब कुछ देखती हूँ तो आंखों के सामने गम की मारी नाहिद भी आ जाती। बेचारी की बदनसीबी, अपने घर में कदम भी न रखने पाई थी कि उजड़ के महके बैठ गई। ये उजड़ी हुई बेटी लाचार बाप के कंधों पर मनोबोझ बन जाती है बीबी। ये लड़की वाले लाचार ही होकर रह जाते हैं, यानी कि आज वही लाचार बाप फिर फरियाद बनकर आपके पास आ रहा है। कोई आस लेकर घर तक आए, उसे ठुकराइएगा नहीं, उस पे तरस खाइए। आपने अपने आने की इत्तला तो कर दी होती। हिम्मत न पड़ी, आज से दो माह पहले भी मैं यहाँ आया था अपनी बदनसीब बेटी को लेकर। कितनी देर मैं आपके सामने उसके लिए गिलगिलाता रहा, वो बेचारी बाहर गाड़ी में बैठी रोती रही। मैंने आपसे कहा था आपकी नासमझ बहू अपनी भूल पर नादिम है। आपकी बेटी की एक जरा सी भूल ने मेरे शौहर की जान ले ली और मेरे हंसते खेलते बच्चे को जिंदा जर गोर कर दिया। शादी से पहले वो कितना खुश था, एक सुबह अखबार लेकर आया, देखो अम्मी ये खबर पढ़ने वाली है, नाहिद को अपने कॉलेज में रक्स व मौसीकी का पहला इनाम मिला। फिर एक रोज कहने लगा, अम्मी आपकी होने वाली बहू कैसी है? मैंने जवाब दिया, मेरी बहू मेरे बेटे के हसीन ख्यालों जिंदा तस्वीर है, नई जिंदगी के हसीन ख्वाबों का। कितना बड़ा महल तैयार किया था उसने, लेकिन वो महल अब गिर चुका है, वो सारे ख्वाब कांच के टुकड़ों की तरह टूट चुके हैं। जाइए, अब आप क्या क्या लेने आए हैं?
फिर से बच्चा बन गया है मेरे लाल। स्कूल की सारी कापियां किताबें यूं ही रुलती फिरती थी। अच्छी बात तो ना थी पर कितनी प्यारी बात थी, कितनी प्यारी। तुम्हारा ये दोस्त जमील बहुत ही अच्छा लड़का है। एक दिन मुझसे कहने लगा, आंटी अब आप शाहिद के कमरे में ना जाया कीजिए। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा शाहिद शाहिद नहीं रहा, देवदास बन गया है। मस्करा है जिमी भी। मस्करा ही सही, लेकिन तेरा बड़ा खैर ख्वाह है। मैंने पूछा भाई देवदास कौन है, तो कहने लगा बस आंटी अब हम अपने दोस्त के पीठ पीछे और कुछ ना कहेंगे। हेलो देवदास दी ग्रेट। आंटी तस्लीम, आप इस वक्त ये दूध की विस्की है या विस्की का दूध? दूध? ईमान से दूध, बल्कि करामात। 60 रुपए की विस्की 8 आने के दूध में बदल गई। विलायत वालों को घाटा सही, मगर पाकिस्तान का स्टर्लिंग बचा। कौम को 59 रुपए 8 आने का फायदा, फायदा ही फायदा, स्टर्लिंग ही स्टर्लिंग, दूध ही दूध। अब हमारा देवदास दूध पिया करेगा, बोलू पहलवान बन जाएगा। देवदास मुर्दाबाद, बोलू पहलवान जिंदाबाद। ये देवदास कौन है जिमी? है नहीं आंटी, था एक बेचारा। कौन था? एक नौजवान था, बड़ा ही रोमांटिक, और दिल जब उसका कुछ ज्यादा ही टिक 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 करने लगा तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था आंटी, दुनिया वालों ने पहले ही बॉल में उसके प्यार की विकेट उड़ा दिया। नहीं, he is out, back to the pavilion for a duck। यानी के फिर क्या हुआ? हुआ ये के वो, हुआ ये के मोहब्बत के मैदान का हारा हुआ खिलाड़ी शराबी बन गया। देवदास ने भी अच्छा ना किया, इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ अम्मी, फिर देवदास मर गया। लेकिन हमारा देवदास जिंदा रहेगा, दूध पिएगा, कुश्ती लड़ेगा, वह हमारा दुश्मन चारों पांचों शाने। और फिर हमारा देवदास फूलों के हार पहने मेरे कंधों पर होगा। हाँ, और मैं कहूंगा राम नाम सत है, राम नाम सत। सॉरी, यानी के हमारा देवदास जिंदाबाद रहेगा। ये कहां से आया है? बाजार से। और आया नहीं, लाया गया है। हमारा नन्ना अब खैर से खिलौनों से जी बहलाता है। जिमी तुम चुप रहो जी, देवी देवदास। रंग बिरंगे नित नए छोटे बड़े खिलौने हर रोज बाजार से लेकर आता है। ये देखिए, मैं
क्या हो गया है मेरे बच्चे? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। शाहिद में जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत न रही तो बच्चा बन बैठा है। तमाशा ना बना बेटा। तू बच्चा बन गया तो कारोबार कौन संभालेगा? जंगलात में कटाई शुरू हो चुकी है बेटा। मैं आज ही मुंशी जी को खत लिखे देती हूँ कि अगले हफ्ते शायद पूर्वन पहुँच रहा है। पूर्वन? तू वहाँ एक बार गया तो था, खैर से जब तू किताब पढ़ने लगा था, CAT रेड, RAT कैट, याद है ना? अम्मी भी थी और अब्बा भी। जब मैं छोटा सा था पर मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। वहां सुंदर निवास में रहते थे, झील के पास दरख्तों के झुरमुट में एक प्यारा सा घर। पहली सुबह जब सूरज ने सुनहरी आंख से मेरे कमरे की खिड़की में से झांका तो कहीं से घंटियों की आवाज आ रही थी, जैसे हजार मन्ने से दिल एक साथ बज रहे। मैं चुपके से बाहर निकल गया। जरा दूर पहाड़ के दामन में एक छोटा सा मंदिर था, ये घंटियों की आवाज वहीं से आ रही थी। और उस मंदिर के पुजारी ने मुझे अपनी बेटी उषा रानी की कहानी सुनाई, जो झील में डूब के मर गई थी। कितनी दर्दनाक! मुझे सब कुछ याद है। सुंदर निवास में रात को सोते में जब मेरी आंख खुलती तो फिजा में घंटियों की सुरीली आवाज मुझे बुला रही होती। मोती की महक मेरे कमरे में फैल जाती और फिर खिड़की के रास्ते छन छन के आने वाली चांदनी उषा रानी की रूह सफेद लिबास तपे पांव मेरे पास आती, गुनगुनाती और फिर थपक थपक कर मुझे सुला देती। वो मैं आया करती थी बेटा। तुम नहीं अम्मी, तुम चली जाती तो वो चुपके से फिर आ जाती। ये तो तू अपनी वही कहानी सुना रहा है पूर्वन की रानी। ये महज कहानी नहीं थी अम्मी, हकीकत थी। मेरे बच्चे पूर्वन, पूर्वन ही तो हकीकी दुनिया है, उषा रानी की दुनिया, खिलौनों की दुनिया। उस दुनिया में कोई खिलौना नहीं टूटता, उस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ।
पांच साल के बाद मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही। उषा रानी की रूह झील से निकलकर जंगलों में घूम रही है। कौन थी उषा रानी? झील के इस पार बंगला है ना सुंदर निवास, और उस बंगले के पास एक छोटा सा वीरान मंदिर। हाँ, वो मंदिर कभी आबाद था। उषा रानी उसी मंदिर के पुजारी की बेटी थी। उससे बहुत पहले की बात होगी। हाँ बेटा, यही कोई 25-30 बरस उधर की बात है। पुजारी की बेटी उषा रानी और श्याम एक दूसरे से प्यार करते थे। श्याम? हाँ श्याम, जो सुंदर निवास में रहता था। उसके वालिद लाहौर के बहुत बड़े रईस थे। वो लोग हर साल गर्मी में यहाँ आया करते थे। और फिर? फिर वही कुछ हुआ जो धन वाले किया करते हैं। श्याम के अमीर बाप ने गरीब पुजारी की बेटी को ठुकरा दिया। ऊंचे घर से श्याम के लिए दुल्हन ले आया, पर दुल्हन का चेहरा देखने से पहले ही श्याम ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जान दे दी? हाँ, और उसकी मौत के बाद उषा रानी भी झील में कूद कर मर गई। वो दिन और आज का दिन उषा रानी की बेचैन रूह सुंदर निवास के गिर्द भटकती रहती है। Thank you.
कहाँ जाओगे राही? पुल पर। पुल पर? मुझे भी तो वहीं जाना है। ले चलोगे? ले चलूंगा। बैठिए। वही मोती की महक, ये वही है जिमी, शालानी। चल तू जलाल। उषा रानी, उषा रानी, सारी दुनिया हुई दीवानी। अरे दीवानी की दीवानों, मेरी बात मानो, उस रूह को सच न जानो। ये सब तुम्हारा ख्याल है, जादू चूने का जाल है, जाहिलों की भेड़ चाल है, फोकट का माल है। आहिस्ता बोलिए मुंशी जी, उषा रानी की रूह सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। देखो बाबा, क्यों मेरे रोजगार के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? शायद सब रावल पिंडी से आ जाएंगे तो मुझे खड़े खड़े नौकरी से एक दो तीन कर देंगे कि ये काम हो रहा है या नीलाम हो रहा है। चलो रक्त काटो, मेरा दिमाग ना चाटो। रू रू रू, देखी भी है तुमने से किसी ने उषा रानी की रू? ओ दीजिए देवी जी, आगे आपका पुल बन। लड़की बड़ी कारीगर थी कोई। तस्लीमात मुंशी जी। वालेकुम तस्लीमात। तो जमील साहब भी आए हैं ना। आदाब मुंशी जी। जीते रहो जीते रहो, शरबत पानी पीते रहो। हजरत वाला, सुबह से इनका इंतजार हो रहा है और अब जाकर कहीं दीदार हो रहा है। हम भेड़ के दीदे निकाल कर क्या देख रहे हो? चलो सामान उठाओ और डाक बंगले ले जाओ। डाक बंगले? मैंने तो अपने तार में लिखा था मुंशी जी कि मैं सुंदर निवास में ठहरूंगा। सुंदर निवास? तुम लोग सुंदर निवास का नाम सुनते ही बदहवास क्यों हो जाते हो? हैं? बात ये हुई शायद मियां, इधर आया आपका तार, उधर सुंदर नवास में आए किराएदार, बल्कि किराएदार दिया कॉलेज की लड़कियां। लड़कियां? माय माय, ये तो बहुत बुरा। बुरा हुआ? अच्छा हुआ। यहाँ के सभी लोग कहते हैं, वल्ला मैं नहीं कहता, मैं भी आपकी तरह भूत प्रीत का कायल नहीं हूँ, ये लोग कहते हैं कि सुंदर नवास में एक रूह आती है जो जंगलों में गाती है, झील में नहाती है, मंदिर में घंटियां बजाती है। ये ठीक कहते हैं। हैं? वो रूह हमें रास्ते में मिली थी और उसी रूह से मिलने तो मैं यहाँ आया हूँ।
चलो चलो, अरे उठो। मैं तो भूल गया बताना, इनका नाम है मिस फरजाना और काम है गाना बजाना। इनका ठिकाना? इसे कहती है गिरा लगाना। जवाब नहीं जमील मियां, मैं कराची में रहती हूँ। वहां के हंगामों से उतारकर सुकून की तलाश में यहाँ आई हूँ। डाक बंगले के कोने में मैं भी पड़ी रहूं तो आपको इतराज तो ना होगा। वाह साहब, हमें क्यों एतराज होने लगा? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि गरीब मुसाफिरों को आसरा मिल गया। मगर आपके ये दोस्त तो अपनी खुशनसीबी पर खुश नजर नहीं आते। कौन ये मखबूतुल हवास? बात ये है मिस फरजाना कि हमारे ये देवदास ऊट पटांग कहानियां लिखते लिखते खुद भी ऊट पटांग हो गए और अब जीती जागती औरतों से नहीं बल्कि गई गुजरी औरतों की रूहों से प्यार फरमाते हैं। क्या मतलब? सुना है यहाँ से करीब एक बंगला है सुंदर निवास, और उस बंगले के पास एक झील है। तो फिर? उस झील में एक रूह रहती है। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अरे अरे, आप तो सचमुच डर गई। रूहों से कौन नहीं डरता? इस साजो सामान से तो आप बड़ी सनसनी खेज, मारधार से भरपूर, दलेर दिलबर उर्फ कातिल हसीना मालूम होती है। डरपोक हरगिज नहीं। अरे मुंशी जी, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? ये औरत नहीं, शैतान की खाला है। ओ जमील मियां, क्या काफिया निकाला है? क्या काफिया निकाला है? अपना काफिया तंग होते होते बचा है। है कौन? मियां अपनी समझ में तो कुछ आया नहीं। वो झील है ना, जहां लोग कहते हैं कि उषा रानी की रूह नहाती है। सच कहता हूं, दिन के वक्त भी वहां जाते हुए बड़े बड़े जवानों की जान जाती है, पर ये अक्सर अंधेरी रातों में वहां की चक्कर लगाती है। बेटा देवदास, औरत बड़ी खतरनाक नजर आती है। मैं हूँ एक पहेली, ¡Gracias!
अमा धुंध की वजह से हमें रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा था और वो मौका पाकर 1 2 3 गो यानी कहीं उतर कर ये जा वो जा और तुम खामखा अपना दिमाग खराब किए हुए हो। तुम मेरा ये खिलौना कभी ना तोड़ सकोगे जिमी। वो उषा ही थी, फूलबन की रानी। उषा रानी की रूह जेल से निकल आई है। ठहरो शाहिद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं जिमी, तुम मेरे पीछे मत आना। जमील साहब, ये आपके दोस्त कहां जा रहे हैं? वो झील की तरफ। इन्हें रोक लीजिए। मैं कहती हूं इन्हें उधर मत जाने दीजिए। आपके दोस्त की जान खतरे में है। अब उसे कोई ना रोक सकेगा। टन तो खत्म हुई सच्ची, इनकी आवाज तो मेरा दिल थक थक करने लगता है। भाई कसम ले लो जो मुझे भी रात भर नींद आती हो, बस यही धड़का लगा रहता है कि अभी आवाज आएगी नमस्ते और खट से उछल आने की। मुझे मालूम होता कि इस घर में सचमुच की रू रहती है तो मर के हुए तेरे पास ही आना थी। मैं तो आज भैया को उतार देती हूँ कि आके मुझे यहाँ से ले जाए। मैं बाज आई तेरी इस साजिश से। सहेलियां होकर भी एक बदनसीब सहेली के काम ना आई तो लानत है तुम पर।
सहेली खुद मुफ्त की बला सहेल ले तो हमारा क्या कसूर। मेरा खाना वो यही आ रहे हैं। अल्लाह अब क्या होगा? आई शर्मा मरी क्यों जाती हो? तुम सब इधर उधर हो जाओ, मैं खुद बाहर आकर इनसे मिलती हूँ। अरे सुरैया जरा अपनी फिजियोलॉजी की किताब में देख के ये तो बताना कि मर्द के सर पे कितने बाल होते हैं, शादी से पहले या शादी के बाद? माफ कीजिएगा, मैं इजाजत के लिए बगैर यहाँ आ गया, लेकिन मैं खुद नहीं आया, एक जानी कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। मैं बचपन में यहाँ कभी ठहरा था, ये रहा मेरा कमरा। इस कमरे से मेरे बचपन की सबसे सुहानी याद वाबस्ता है। आपकी तारीफ? मुझे शाहिद कहते हैं। शाहिद? आप शाहिद जमाल तो नहीं? अफसाना नवीस। 5 साल पहले मैं भी एक सहेली के साथ इसी कमरे में ठहरी थी, जानते हैं क्यों? आपका अफसाना पढ़कर। पूर्वन की रानी। पूर्वन की रानी। और यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो कहानी नहीं हकीकत है। इसी हकीकत की तलाश में तो मैं आज फिर एक बार यहाँ आया हूँ। इजाजत हो तो मैं इस कमरे में थोड़ी देर के लिए हुआ। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। कमरे में ठहरी थी। और क्या आपने कभी उषा रानी की सूरत भी देखी थी? नहीं, बिल्कुल वैसे ही होता जैसे आपने अपनी कहानी में लिखा था। हर 14वें की रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती और इस खिड़की के रास्ते वो एक साए की तरह अंदर आती है। मोती की महक सारे कमरे में फैल जाती और पर्दों से छन छन कर आने वाली चांदनी में सफेद साड़ी में लिपटा हुआ एक जिस्म नजर आता, या कमर से नीचे तक लहराते हुए काले बाल। वही तो है उषा, पूर्वन की रानी। और फिर वो आहें भरती, सिसकियां लेती, कमरे में घूमने लगती और बड़ी दर्द भरी आवाज में जैसे कोई बीमार बच्चे को लोरी दे रहा धीमे सुरों में गाने लगती। मेरा दिल भर आता और मैं बेख्तियार कह उठती, मत रो उषा रानी, मत रो मेरी सहेली, खुदा करे तुझे चैन नसीब हो। ये तस्वीर कहाँ से आई? इस बंगले में एक कमरा हमेशा बंद रहता है जिसमें शाम के घर वालों का सामान रखा है। मैं ये तस्वीर वहां से उठा लाई थी। ये देखिए, नीचे हिंदी में उषा रानी लिखा है। मुझे तो इससे ऐसी मोहब्बत हो गई है जैसे मेरे बचपन की सहेली हो। और हाँ, मैं ये रुमाल भी उसी कमरे से उठा लाई थी। देखिए, इसके कोने पर भी उषा लिखा है। खुदा तेरी मदद करे मेरी सहेली, खुदा तेरी आरज़ू भर लाए मेरी रानी।
मैं थी, किताब हाथ से गिर गई थी, इसे उठाने के लिए उतरी थी। यहां से बेटा जान है तो जान है, जान है तो जान है। दौरा कर रही है उसे कैप्टन नारी कॉन्ट्रैक्टर ने गुज़श्ता रात अच्छी तरह गुजारी। उनके दिमाग में खून जम गया था, फिर आगे दो बार ऑपरेशन करके खून निकाल दिया गया। गर्बुल हिंद के फास्ट बॉलर गेफिस की गेंद उनके सर पर लगी थी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मशरकी पाकिस्तान के रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर ने आज सोनामगंज में वो जगह देखी जहां जुमेरात को गैस का धमाका हुआ था। हमारे ढाके के नुमाइंदे कहना है कि इमदादी काम पूरी तेजी से हो रहा है और सिलहत से डॉक्टर सुनामगंज भेजे गए हैं। रेडियो पाकिस्तान से खबरें खत्म। देख बेटा देवदास, मैं तेरा बड़ा लिहाज कर चुका हूँ, इधर ना। अबे मैं तो आंटी से कहकर आया था कि देवदास को लिए जा रहा हूँ और देख लीजिएगा कि इसकी जगह भोलू पहलवान को लेकर आऊंगा, मगर अब तो ऐसा मालूम होता है बेटा कि अखाड़े की मिट्टी की जगह कब्र की मिट्टी नसीब होगी। कलमाए शहादत, अब तो यहाँ से हम दोनों का जनाजा ही वापस जाएगा। मैं जिंदगी और मौत के दुराहे पे खड़ा हूँ और तुझे मजाक की सुझी है। अबे मजाक? अरे मैं बहुत सीरियस हूँ शाहिद। और होना भी चाहिए। आप सर अंदर कमरे में तशरीफ रखिए जमील साहब, आपके इन भोले भाले दोस्त की निगरानी मैं खुद करूँगी। लीजिए।
जिंदगी को एक तमाशा बना लेते हैं और कुछ एक तमाशे को जिंदगी समझ बैठते हैं। और आप? मैं तमाशा देख रही हूँ। कैसा तमाशा? जिसे एक दौलतमंद नौजवान को फांसने के लिए कोई बहुत ही चालाक औरत खेल रही है। जिसे आप तमाशा कह रही हैं, वो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था और उस वक्त ना मैं दौलतमंद था ना नौजवान। बचपन की यादें अक्सर मनगढ़ंत होती हैं शाहिद साहब। उनका क्या एतबार? हकीकत तो वो है जिसे हम देख सकें, जैसे ये चौधरी का चांद जिसे हम छू सकें यूं और सो जाए। रुक जाइए शाहिद साहब, मैं कहती हूँ रुक जाइए। अब ये तमाशा मेरी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है और ये मैं कभी ना होने दूंगी। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जाओगे कहाँ, जाओगे जहाँ, मुझे पाओगे वहाँ। आपने भी उसे देखा था? किसको? इस वीराने में एक दीवाने के सिवा भला कौन आता है? अपने देवदास को यहाँ से ले जाइए जमील साहब। इस जंगल की फिजा बड़ी मोहलिक है, न जाने यहाँ किस किस के राज दफन हैं, और इन राजों को जानने की कोशिश करने का नतीजा सिर्फ एक ही होगा, मौत। चल बेटा यहाँ से चल, जान है तो जहान है, जहान है तो जान है, चल। अस्सलाम। अरे फिर साहब,
आके तो सुन कभी आके। जीवन की गर्मी नहीं, मौत की सर्दी है। कहीं मेरे हाथों की ठंडक तुम्हारा जीवन भी न छीन ले। मुझे इस ठंडक को अपने सीने से लगा लेने दो। पहले ये बताओ, क्या तुमने मुझे पहचान लिया है? तुम? हाँ। तुम्हारी महक तो बचपन से मेरे दिल और दिमाग में बसी है। बचपन? तुम्हें और कुछ याद नहीं? अपना पिछला जन्म। पिछले जन्म में इसी
दरख्त के नीचे तुम मुझसे मिला करते थे, याद नहीं? एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए, इसी दरख्त से टेक लगाए, आंखें बंद किए, दो प्रेमी। दो प्रेमी? इधर देखो, इसे देखकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आता। उषा, ये मेरा नाम तुमने यहां लिखा था, और श्याम, ये तुम्हारा नाम मैंने। याद नहीं? मेरा नाम श्याम नहीं, शाहिद है, और मैं तो हिंदी लिखना भी नहीं जानता। निहरमान, मेरी निशानी जो मैंने तुम्हें दी थी। नहीं, तुमने नहीं, ये रुमाल तो मुझे सुंदर निवास में मिला था, और वहाँ कमरे में तुम्हारी तस्वीर भी लगी है। वो तस्वीर तुम ही तो अपने हाथ से बनाई थी क्या? मैं तस्वीरें बनाना नहीं जानता, मैं तो कहानियां लिखता हूँ। तो क्या मेरी कहानी अधूरी ही रह जाएगी श्याम? मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। नहीं श्याम, जब तक तुम्हें मेरी बात पर पूरा पूरा विश्वास न हो जाए कि हम दोनों जन्म जन्म के साथी हैं, आज से बहुत पहले एक दूसरे के हो चुके हैं, तुम मुझे अपना कह चुके हो और मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, जब तक तुम्हें इस बात पर पूरा पूरा विश्वास न हो जाए तुम मुझे न छू सकोगे और मैं यूं ही भटकती रहूंगी, भटकती रहूंगी। करके मंगनी ठहरी है, कैसे कैसे ख्वाब देख रही हूँ शादी के, गुलबर्ग में कोठी, लेटस बोर्ड और शोलेट कार, जिम खाना क्लब में डांस, और अगर नसीब जागे तो अमेरिका की सैर, फिर वहां से हवाई होनुलुलु। अब किसी की फूटी हंडिया जोड़ने की फिक्र में मैं अपनी पक्की पकाई खीर का दलिया क्यों कर डालू? नहीं, बाज आई ना शैली, यहाँ आते ही रूह से डरा करती थी, कुछ कहा भी है उस बिचारी ने तुझे? कभी आई भी है तेरे सामने? पर धड़का तो लगा रहता है ना, और जब उसे ये पता चल गया कि तू हमें यहाँ किस मार पर लाई है तो देख लेना हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। वो जानती है कि उसका शाम कभी ही कमर चुका है, और शायद उसका नहीं किसी और का है। उषा रानी, उषा रानी, अगर तुम सुन रही हो तो मेरी सहेली को बता दो कि हम जो कुछ भी कर रही हैं तुम उससे खुश हो, तुम उससे खुश हो। सुनो मुन्नी, वो कह रही है मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे खुश हूं।
पगली ना बन, निकाल अपनी चीजें। और सुनो, इस दूरबीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जान गई हूँ कि वो ब्रिजिस वाली कौन है और यहाँ क्या कर रही है। सरहद से आमदा इत्तलात से पता चला है कि एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के एजेंट पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्तों और जंगलों की नाकाबंदी कर रहे हैं। कल क्वेटे के रेलवे स्टेशन पर दो खुशपोश नौजवान औरतों को ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वो क्वेटे से कराची जाने वाली गाड़ी के फर्स्ट क्लास के डब्बे में सवार हो रही थी। उनके पास 200 कीमती घड़ियां, रेशमी कपड़ा और कुछ। तो ये बात है। क्या बात है? बात बात कुछ भी नहीं, बात वो ये है, वो दरअसल बात ये है कि मैं भी कहूँ कि आप हर वक्त इन कील काटों से लेस क्यों रहती हैं? गोलियां भरी। बुजुर्ग फरमा गए हैं कि हथियारों से खेलना अच्छा नहीं। मेरा ही बुजुर्ग फरमा गए हैं, आपके बुजुर्गों ने इस सिलसिले में कुछ नहीं फरमाया। तो क्या बात है मिस्टर CID? कोई बात नहीं जी, बिल्कुल कोई बात नहीं जी। और भला इन कील कांटों से लेस होकर मैं काम क्या करती हूँ? आपकी तफ्तीश क्या कहती है? काम काम वो अल्लाह दे और बंदा दे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप भी पाकिस्तान के बुद्धू नंबर एक है जमील। शिकारी को शिकार समझ बैठे हैं। अच्छा तो ये बात है। पर अब मैं इस धंधे से तंग आ चुकी हूँ। शिकार हो या शिकारी, स्मगलर हो या पुलिस के एजेंट, ये खून खराबे का काम औरत के बस करोग नहीं। आपके देवदास ने मेरे दिल की गहराइयों में सोई भी औरत को बेदार कर दिया है। और उस बेचारे को झील वाली रूह ने गिरफ्तार कर लिया। रूह? मैंने आज तक जिंदगी में किसी से मात नहीं खाई जमील साहब, पर इस औरत के सामने बेबस हो गई हूँ। न जाने इसमें कौन सी ऐसी कशिश है जो आपके दोस्त को अपने पीछे पीछे लिए फिरती है, पीछे पीछे लिए फिरती है। से मैं सिमट गई, मुझे याद
मंदिर के पास बागीचे में एक छोटी सी कुटिया थी। मैं और मेरे बाबा उसी में रहा करते थे। सावन में जब बरखा होती तो वन में पपीहे कूदते और हमारे बागीचे में मोर आके नाचते। मैं भी मल्हार गाने लगती और मोरों के संग नाचती। बाबा कहते, बेटी तू तो सचमुच पूर्वन की रानी है। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। सच? मैं बचपन में जब यहाँ आया था तुम्हारे बाबा अभी जिंदा थे। उन्होंने मुझे तुम्हारी कहानी सुनाई थी। तुम बचपन में जिस कमरे में आके ठहरे थे श्याम, पिछले जन्म में तुम वही तो रहा करते थे। उसी कमरे में तुमने मेरी खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया था। दिया होगा, पर मैं सच कहता हूँ उषा रानी, मैं तुम्हारी खातिर एक बार फिर मरने को तैयार हूँ। तुम एक नशा बन के मेरी नस नस में समा गई हो, एक खुशबू की तरह मेरे रुए रुए में रच गई हो। अगर तुम्हें छू लेने से मैं मर जाऊंगा तो आओ मेरी आगोश में आओ। मैं मर जाना चाहता हूँ। मरने के बाद हमारी रूहें तो एक हो जाएंगी। फिर वही भूल करने लगे हो श्याम, जिसका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। खुद तो जहर खाकर मर गए और मुझे इस छील में डूबकर मरना पड़ा। मरना तो उसे चाहिए था जो मेरे और तुम्हारे दरमियान आ गई थी। कौन थी वो? कौन थी? ये जन्म फिर पिछले जन्म को दोहरा रहा है। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारी शादी दूसरी जगह ठहरा दी तो तुम यही कुछ करने लगे थे। इसे मत पियो श्याम, ये चीज सोच के दुश्मन है। इसे पियोगे तो कभी ना सोच सकोगे, और अगर सोच ना सके तो अपना पिछला जीवन क्यों कर याद कर पाओगे? मुझे कैसे अपनाओगे श्याम? इस रूह ने तो आपके छक्के छुड़ा दिए। क्या फरमा रहे थे आप जमील साहब, कि वो रूह जब गायब हो जाती है तो अपने पीछे अपने पांव के निशान और अपने प्यार की निशानी यानी मोतिये का हार छोड़ जाती। कोई है आपके पास उसका हार? वो तो सबके सब देवदास के तकिए के नीचे धरे रहते हैं। जब वो सोने लगता है तो उषा रानी का रूमाल अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद करके मोतिये की महक सूंघते सूंघते आलम अरवाह में पहुंच जाता है। तो ये बात है, अब मैं भी उस रूह के घर तक पहुंचकर दम लूंगी। और सुन लो मिस्टर CID, मैं जानती हूँ कि आलम अरवाह का रास्ता किधर से जाता है। मेरी फिजियोलॉजी की किताब तो यही कहती है कि इंसान जब मर जाता है तो मर जाता है, किस्सा खत्म, मुर्दा हद, और उसकी रूह किधर चली जाती है? जन्म में नहीं, जन्नत में। पर इस तरह आकर जिंदों को परेशान नहीं करते। आ!
निकाली चुड़ैल ने। कुछ सुन रही हो? फिर जिस वाली का कुत्ता। दरवाजा खोल रही हूँ, पर सुन रख, मेरी सहेलियों में से किसी एक का बाल भी बीका हुआ तो तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, मत खोल। किधर जा रही है? क्या हुआ, क्या हुआ फरजाना? कुछ भी नहीं, जिससे आप रूह समझते थे वो कोई बहुत ही खतरनाक औरत थी, पर आज वो सचमुच इस झील में डूबकर मर गई। वो कभी नहीं मर सकती, तुम जानती हो कि वो कभी नहीं मर सकती। क्यों? क्योंकि वो कभी की मर चुकी है। आज से 30 साल पहले वो इसी झील में तो डूब के मरी थी। उषा, हाहाहाहा
अब इन कील कांटों की क्या जरूरत है आपको? आज एक हफ्ते से सुंदर निवास वीरान पड़ा है, कॉलेज की लड़कियां जा चुकी हैं, मंदिर की घंटियां खामोश हैं, और रू बिचारी भी वापस परलोक सिधार गई। अब आपको डर किसका है? आप नहीं समझते। इतना जरूर समझता हूँ कि वो रू नहीं थी, शरबत रू अफजा थी, यानी कि उन्हीं लड़कियों में से एक। पहले मैं भी यही समझती थी। और अब आपकी तफ्तीश क्या कहती है मिस सी आई डी? वो रू अभी तक यही है। झील के दाएं तरफ जो पहाड़ है उसके दामन में बहुत से गार हैं जो हर वक्त धुंध में घिरे रहते हैं। आज सुबह एक गार के बाहर जानते हो मैंने क्या देखा? उसके पैरों के निशान, जैसे जैसे वो अभी अभी वहां से गुजरी हो। और गार के मुंह के पास ये रूहानी बला को टाल दो। इस बला ने तो मेरे यार का खाना खराब कर दिया है। एक देवदास को रोते थे कि अब मजनू पैदा हो गया है। देखती नहीं जिस दिन से रूह गायब हुई है क्या हाल बना लिया है इसने। होशो हवास लुटाकर बाल बखेरे दाढ़ी बढ़ाए जंगलों में गाता फिरता है। उषा उषा पुकारे है वन में, प्यारा मजनू बसे मोरे मन में। आवाज़ दे, मुझको आवाज़।
तुम साये की तरह हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगी रहती हो? आपने मुझे अपना साया समझ लिया, बड़ी मेहरबानी। तुम जानती हो फरजाना कि मेरी जिंदगी में कोई और समा चुकी है। कोई और? कोई और? कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसे तो ये साया ही अच्छा है, नजर तो आ जाता है। देखती नहीं उसकी महक सारे जंगल में फैली हुई है, वो यहीं कहीं छुपी बैठी है, हमारी हर बात देख रही है, एक एक लफ्ज सुन रही है। मैं जानता हूं वो जरूर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही है। उषा, 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 इतने दिनों से तुम मेरी तीमारदारी में लगी हो, आखिर ये सब कुछ तुम किस लिए कर रही हो फरजाना? अपने लिए।
तुम भी एक पहेली हो। मैं जानता हूं जिस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था वो कुत्ता तुम्हारा था, और जिस हाथ ने उस कुत्ते पर गोली चलाई थी वो हाथ भी तुम्हारा था। फिर भी आप कुछ नहीं समझे। आपके सिवा मेरा राज कोई नहीं जानता। जिमी समझता है मैं पुलिस की एजेंट हूं, शिकार को शिकारी समझ बैठा है। मैं चाहती तो उस रात आपको गार में मर जाने देती, और इस तरह आपकी लाश के साथ मेरा राज उस झील की तह में महफूज हो जाता। पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ। आपकी जान बचाकर मैंने अपनी जिंदगी को आपकी मुट्ठी में दे दिया है। अब चाहे उसे पुलिस के हवाले कर दे या उम्र भर के लिए अपनी कैद में ले ले। मैं तो इस जिंदगी की कैद से आजाद होना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर मुझे तो है। मुझे जिंदगी के इस फरेब में लाओ फरजाना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी नहीं तो मेरे दिल की बात ही सुन ले। नहीं बोलते, नहीं बोलते। तेरा मिस सीआईडी को दुआएं दीजिए आंटी, शाहिद की जान बच गई। जीती रहो बेटी। बेटी
जिम्मी का खत पढ़ के मेरी तो जान ही निकल गई। हर्षो भी बोली, बीबी अभी जाओ अपने शाहिद को ले आओ, मैं तुझे लेने आई हूँ बेटा। ये क्या नया रोग लगा लिया है तूने? ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी मैंने इसे यहाँ भेजा था। मनहूस घड़ी तो वो थी जब वो रूह इसके गले पड़ी थी, अब तो बड़ी मुबारक घड़ी है। आंटी इस खाना खराब को फौरन यहाँ से ले जाइए और इसका घर आबाद कीजिए, इसकी बीवी यानी मेरी भाभी को घर ले आइए, तो बस फिर मुबारक 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 मुबारक। दिखला के डूबा चंदा विनती
सखी जाने कहाँ वो खो गए, किस वैरन के खो गए। छाई चारों पल पल उन्हें पुकारे, बिरहा आंगन में जल मरने को सैया छोड़ सिधार रे, कोई उनको मना कर लाओ सखी मेरे पिया को ढूंढ के लाओ सखी जाने कहाँ वो खो गए, किस वैरन के खो गए। शाहिद जमाल 139 असगर माल रावलपिंडी। बराबर। पता तो लिखवा दिया हमने, मगर अब ये ख्याल आया कि आपने हमसे पता क्यों लिखवाया। जी कुछ नहीं, उन्हें एक तोहफा भेजना है। तोहफा ही असाल कीजिएगा, कहीं वारंट ना भिजवा दीजिएगा, अल्लाह बचाए तुम पुलिस वालों से। इंस्पेक्टर साहब, किधर की चढ़ाई है? आज तो पूरी पलटन ही चली आई है। आप ही से काम था मुंशी जी? मुझ गरीब मुंशी से काम है, बंदा तो आपका गुलाम है, फरमाइए। जरा इधर आइए। हमें इत्तला मिली है कि आपके इस इलाके में स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग? और ये काम एक औरत कर रही है। औरत? कुछ दिन हुए सुंदर नवास में लाहौर से कॉलेज की चंद लड़कियां आके ठहरी थी। यहां से वापस जाकर उन्होंने इस औरत के मुतालिक हमें पूरी तफसीलात लिख के भेजी। मालूम होता है जैसे इसी औरत की निगरानी करने वो यहां आई थी। 20-22 साल की खूबसूरत औरत है, गोरा रंग, तीखा नाक नक्शा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, शरेरा बदन, कद तकरीबन 5'3" और ठोड़ी के करीब बाई तरफ दिल का निशान। आपको इस औरत के मुतालिक कुछ इल्म हो तो हमें चौकी पर आकर इत्तला कर दीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी पहचान उस औरत की बताना तो मैं भूल ही गया, हमेशा सफेद साड़ी पहने रहती है, गले में मोती का हार होता है, सर पर लंबे लंबे बाल जो लहराते हुए उसकी कमर से नीचे तक जाते।
हेलो मजनू दी ग्रेट। तो बेबी मजनू भी बेबी देवदास पर गया है। खेल बेटा, शौक से खेल, रूहों के खेल से तो यही खेल बेहतर है। कम से कम इसमें जान का खतरा तो नहीं। और बताओ, मैंने उस रूह का सारा चक्कर समझ लिया है। सच? मैंने आज ही भी सीआईडी को चिट्ठी भेजी है कि देख रही लौंडिया, अगर जनाना पुलिस का नाम रोशन करना है तो फौरन उस रूह को गिरफ्तार कर ले। वो रूह नहीं, समगलर है। वो हम लोगों को धोखा देने के लिए रूह बनी हुई थी। जब उसने देखा कि मिस सीआईडी ने उसका खोज लगा लिया है तो वो गायब हो गई। वो गायब नहीं हुई जिमी, मैं जानता हूं वो वही है। और इस इंतजार में कि मुझे अपना भूला हुआ जन्म याद आ जाए और वो फिर मेरे सामने आ जाए। तुम भी पाकिस्तान के बुद्धू नंबर एक ही हो बेटा। सच कहता हूँ, ये औरत जात बड़ी मक्कार होती है, बड़ी चालबाज होती है। वो चक्कर चलाती है कि मर्दों को नानी याद आ जाता। किसकी नानी की बात हो रही है बेटा? तुम्हारी बात कर रहा था शोभी, यानी कि तुम कितनी अच्छी हो। अपने शाहिद बेटे को गर्मा गर्म दूध लाकर पिलाती हो और मेरे लिए नरमा नरम कुछ चटपटे शामी कबाब कुछ। ये तेरी रजिस्ट्री आज सुबह की डाक से आई थी बेटा। बीबी ने उसूल कर ली, भेजने वाली का नाम पढ़ा तो रंग फक हो गया। इसको मेरे हवाले करते बोली, हशोबी खुदा के लिए इसे जाके अभी चूल्हे में डाल दे। तेरी चीज हो बेटा, और उसे मैं आग में जला दूं? मैं खुद को न जला डालूं पहले? ये और देख, अम्मी से ना कहना। उषा रानी, उषा जरा। उषा पल पल मेरा
उषा, तुम कहाँ हो उषा? मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरे सामने आओ, मैं आज तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सौदा चुकाने आया। मैंने अपना पिछला जन्म याद करने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है उषा, पर अब मैं हिम्मत हार चुका। मैं तुम्हें जिंदगी न दे सका, लेकिन अपनी जिंदगी तो ले सकता हूं। मर के तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं आ रहा हूं उषा रानी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मेरी उषा, तुम आ गई। तुम सच कहती थी उषा, मैंने पहले भी इस हाथ को अपने हाथों में लिया, इसे चूमा, आंखों से लगाया। मैंने जरूर पहले भी कभी तुमसे मोहब्बत की। आज मौत हम दोनों से हार गई है श्याम। आज हम उस संगम पर आ पहुंचे जहां जिंदगी और मौत के धारे मिलकर एक हो जाते हैं। आओ मेरे साथ। वो देखो सामने, उस जगह कभी मैं डूबकर मरी थी, और वहां मुझे नहीं किसी और को मरना चाहिए था। किसको? तुम्हारी बीवी को, उस बीवी को जो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे ब्याह दी गई, और जिसका घूंघट उठाने से पहले तुमने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पर ये तो कभी का हो चुका है, अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। तुम्हें इस जन्म में फिर शादी करनी होगी, जैसा कि पिछले जन्म में हुआ था। तुम अपनी बीवी की सूरत ना देखोगे, और उसके चेहरे से घूंघट उठाए बगैर उसे यहाँ ले आओगे, और उसी जगह जहाँ कभी मैं तुम्हारी खातिर डूब कर मरी थी, तुम उसे मेरी खातिर झील में फेंक दोगे। और जब उसकी लाश झील की तह में पहुंच जाएगी, मेरी आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी, और मुझे नया जन्म मिल जाएगा। मेरी शादी तो हो चुकी है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? पर मैंने आज तक अपनी बीवी की सूरत नहीं देखी। सच तो होली होके रहेगी। आज पूर्णमासी है, चौदवी की रात थी जब मैं डूबकर मरी थी, और अब इसी आने वाली चौदवी को, इसी चौदवी को, ये तुम्हारे प्रेम की आखिरी परीक्षा है श्याम। अगर हार गए तो जन्म जन्म के लिए हार जाओगे, और फिर हमारा मिलन कभी ना हो सकेगा। हमारा मिलन हो के रहेगा। और जब तुम अपनी बीवी को झील में फेंक चुको, तो किश्ती को मोड़कर वापस उस पार चले जाना, और मेरा इंतजार करना। और फिर जब मंदिर की घंटियां बजने लगेंगी, तो तुम मेरे पास चले आना, हमेशा के लिए। तो ये बात है। आपको जिस स्मगलर औरत की तलाश थी, मैं उसका पता बताने आई। खूब, और आपकी तारीफ। आपको अपने काम से मतलब है या मेरे नाम से? अपने काम से, और इसीलिए आपके नाम से भी। मेरा नाम रिहाना। खूब। मैं पूर्वन के डाक बंगले में ठहरी हुई थी, और आज कराची वापस जा रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या?
कल रात जब मैं खोज लगाकर उस गार के अंदर चली गई जहां वो औरत स्मगल किया सामान रखती है, तो उसने मुझ पर गोली चला दी और मेरा हाथ जख्मी कर दिया। और फिर देना हाथ? छी छी छी, अब आप गोली कैसे चलाएंगी? पर इस चांद की 14वीं तारीख को वो इससे भी ज्यादा संगीन जुर्म करने वाली है। कैसा जुर्म? खून। खून? और इस चांद की 14वीं को अंग्रेजी तारीख क्या होगी भला? 6 तारीख। तारीखें तो आपको अजबर याद है मिस रिहाना। 2, 3, 4, 5 और ये रही 6। देखा मिस रिहाना, मैंने भी 6 तारीख के नीचे सुर्ख पेंसिल से खतरे का निशान बना रखा। 6 तारीख को एक काफला सरहद पार करके आ रहा और उस काफले में इस स्मगलिंग औरत के 3 साथी और भी होंगे जो इसके लिए सोना, रेशमी कपड़ा और घड़ियां स्मगल करके ला रहे हैं। हमारा इरादा इस औरत को उसके साथियों समेत गिरफ्तार करने का था, पर अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी, अब आप जाने और आपका काम। और मैं भी अपना फर्ज अदा कर चुका हूँ। इस वक्त 11:17 ठीक 11:16:30 पर वो औरत गिरफ्तार की जा चुकी है। ओह, तुम हैरत अंगेज तौर पर दलेर और चालाक औरत हो मिस फरदाना, पर मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो पुलिस को धोखा नहीं दे सकता। आपको धोखा हुआ इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम वो है सफेद साड़ी वाली जो वो बात तो उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए कही थी, वरना उन कॉलेज की लड़कियों ने तो अपने खत में तुम्हारी पूरी तस्वीर खींच के रख दी है, ब्रिजेस वाली, बाल कटी, माही मुंडा और ना जाने क्या क्या कुछ। और अपने खत के आखिर में तो उन्होंने एक नोट भी लिखा है, तुम्हारे सुनने की चीज है। लिखती है नोट, और आपको शायद झील पर एक दूसरी औरत भी नजर आ जाया करे, वो हमेशा सफेद साड़ी पहने रहती है, गले में मोतिये का हार होता है और सर पर लंबे लंबे बाल जो लहराते हुए उसकी कमर से नीचे तक जाते। उस गरीब को कुछ ना कहिए, वो बेचारी तो उषा रानी की रूह है। बाबूजी, रात बंगले में नहीं ठहरिएगा? नहीं, मैंने मुझे जरा आगे तक जाना है। देखो सामने उस जगह, कभी मैं डूब के मरी थी, डूब के मरी थी।
और उस जगह मुझे नहीं किसी और को मरना चाहिए था। किसको? तुम्हारी बीवी को। तुम्हारी बीवी को। एक बीवी अपने शौहर के लिए क्या कुछ कर सकती है? अपनी जान तक दे सकती है। क्या क्या आप मुझे अपनी जिंदगी दे सकते हैं? ये जिंदगी आप ही की है। अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं तो आपको इस झील में डूबना होगा। ऐसा ही है तो मेरी जान हाजिर है। आइए अपने हाथों से मुझे इस झील में फेंक दीजिए और जब उसकी लाश झील की तह में पहुंच जाएगी तो मेरी आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी। चली जाएगी। महेश, के साथ एक औरत भी थी, मैं पूछ सकता हूं वो कौन थी? मेरी बीवी। और क्या मैं ये भी पूछ सकता हूं कि अब वो कहां है? वो उधर झील में। फरजाना सच कहती थी। मिस्टर शाहिद, मैं आपको आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। शाहिद, तशरीफ रखिए, आप बहुत घबराए हुए हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, आपने सब लोगों को यहां किस लिए बुलाया है और मुझे अदालत में ले जाने की बजाय यहां क्यों ले आए? इसलिए कि मेरी राय में जो मुकदमा दरपेश है उसका ताल्लुक आपकी घरेलू जिंदगी से। इसका फैसला घर की फजा में हो जाए तो घर की बात घर में रह जाएगी। लेकिन घर की बातों में पुलिस क्यों दखल दे रही है? पुलिस बिन बुलाए कभी नहीं आती, लेकिन मजलूम की पुकार पर कान बंद भी नहीं कर सकती। मजलूम की पुकार? किसने जुल्म किया, किस पर किया, कौन मजलूम है? मजलूम इनकी बेटी और जालिम ये बैठा है। कौन? शाहिद? शाहिद तो नाहिद को यहाँ हनीमून मनाने लाया था। हनीमून? खून कहिए खून। ये गलत है, जिस कश्ती में हम दोनों सवार थे वो डोलने लगी। नाहिद ने घबरा कर खुद ही झील में छलांग लगा दी और डूब गई। ये नामुमकिन है, मेरी बेटी डूब कर नहीं मर सकती।
इसी साल उसे अपने कॉलेज में तैराकी का पहला इनाम मिला था। कॉलेज के 20 गज चौड़े तालाब में तैर लेना और बात है, लेकिन 2 मील चौड़ी झील को पार कर लेना कोई खेल ना था। थकन से निढाल वो बिचारी किनारे तक पहुंच गई, लेकिन पहुंचते ही मर गई। मर गई होती तो मिस्टर शाहिद इस वक्त जेल की चार दीवारी में बंद होते। कहां है मेरी नाती? आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो वो बड़े इत्मीनान से बिस्तर पर लेटी, तकिए से टेक लगाए मशहूर अफसाना नवीस शाहिद जमाल का शाहकार अफसाना पूर्वन की रानी मजे ले लेकर मेरी बीवी को सुना रही थी। जवाब नहीं आपका, 20वीं सदी में रहते हैं और कहानियां अल्फ लैला के जमाने की लिखते हैं। आप खुश नसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसी बेटी अता की जो लाखों में एक है, और आप भी लाखों में एक हैं कि ऐसी बीवी पाकर भी एक साय के पीछे मारे मारे फिरते रहे। वो साया नहीं हकीकत है, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे ख्यालों की देवी। देवी? आप ही जैसे अदीबों ने बहारों के नगमे, सितारों की किरणें, फूलों की खुशबू, कोयल की कुकू और ना जाने क्या अलाबला मिलाकर औरत को देवी बनाकर चबूतरे पर रख छोड़ा है। आप भूल जाते हैं कि वो भी आपकी तरह इंसान है, उसके होंठ मुस्कुरा सकते हैं, उसकी आंखें आंसू बहा सकती हैं, उसके पांव ठोकर भी खा सकते हैं, खामियां उसमें भी होती हैं, फिर आप उस बेचारी को देवी क्यों समझ बैठते हैं? हेर 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 हेर, आपने नाहिद की सहेली होने का हक अदा कर दिया और आप ही की मदद से मैं इस गुत्थी को सुलझा भी सका। वक्त आ गया है कि जिंदगी के रास्ते से भटके हुए शाहिद जमाल सही रास्ते पर आ जाएं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा शाहिद साहब, ख्यालों की देवी को भूलकर उस औरत को अपनाइए जो आपकी जिंदगी की साथी बन चुकी है। उषा की रूह की विपता तो आप लिख चुके, अब किसी नाहिद के आंसू की दास्तान भी सुनिए। होती है कि महक मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत, उषा आ रही है। आपके ख्यालों की देवी है जो आपके खातर चबूतरे से जमीन पर उतर आई है, अब आपके पैरों तले से जमीन क्यों निकल गई? मगर उषा, उषा नहीं, उषा कभी की मर चुकी। उस बेचारे की रूह तो पूर्व बन के जंगलों में अपने श्याम को ढूंढती फिर रही है, उसे आपसे क्या सरोकार? ये तो आपकी ठुकराई हुई नाहिद है जिसने आपकी मोहब्बत जीतने के लिए अपने आप को उषा के रूप बनाकर पेश कर दिया। आपको उषा रानी जो पसंद थी। नाहिद? जी हाँ, वही नाहिद जिस बेचारी का दिल आपने घूंघट उठाने से पहले ही ये कहकर तोड़ दिया था कि आप उसे उषा रानी के रूप में देखना चाहते हैं। मैं उषा रानी कैसे बन जाती, यही जी चाहता था, अपने घूंघट ही में घुट के मर जाऊं। आपको तो
तो पूर्वन की रानी बसंती है। अगर मैं वो ना निकली तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सहरे की हर लड़ी नागन बनकर डसने लगी, घूंघट कफन बनकर रह गया, सांस लेना दुश्वार हो गया था। मारे प्यास के बुरा हाल हो रहा था, अलग सूख कर कांटा हो गया था। एक घूंट पानी न मिला तो दिल हमेशा के लिए डूब जाएगा। बंद डिब्बे में दम घुटने लगा, यूं लगता था मुझे रेल के डिब्बे में नहीं कब्र में उतार दिया गया है। काश डोली की जगह मेरा जनाजा ही उठता। सुहाग की पहली रात कितनी डरावनी थी, कितनी जहरीली। इस जहर से प्यास और भड़क उठी। पीने को पानी ना मिला तो शायद मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, जब मेरा शौहर मुझे नहीं किसी और को देखना चाहता है। सितारे घोर अंधेरों में डूब रहे थे। मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मेरा जख्मी दिल चीखने लगा, क्यों दौड़ रही हो, किसके पीछे? तुम नाहिद हो, उषा नहीं। क्या तुम उषा रानी बन सकोगी? उषा रानी बन सकोगी? तो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्या आपको एक धोखे से प्यार था? अगर आपको एक लाश से प्यार होता तो मैं आपका प्यार जीतने की खातिर कफन भी पहन लेती। उसे माफ कर देना ही। जाप बेटा, तुझे माफ किया। उषा, पापी।